नमस्कार दोस्तों सभी साथियों का स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अपनी दो स्कीम चलती हैं जो कि किसानों के लिए एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक है स्टेट की ठीक है स्टेट की आप भी बोल देते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एम एम पी एस वाई और सेंटर की है आपको पता ही है जिसमें दो सेम पैसे दोनों में सेम मिलते हैं छः हज़ार रुपये सालाना मिलते हैं ठीक है चार महीने में एक किस्त आती है दो हज़ार रुपये की ठीक है दोनों में और दोनों आप करवा सकते हो अगर आपके पाँच एकड़ से कम जमीन है ऐसे कुछ आपका प्रावधान है इसमें तो एम एम पी एस वाई के लाभ के लिए योजना का पंजीकरण जरूरी क्या, क्या 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 इसमें अब नई सिस्टम आ गया है दोस्तों अगर आप वो नहीं करवाते हो तो चाहे आपने एम एम पी एस वाई का फॉर्म भर रखा हो तो आपको वे दो दो हज़ार रुपये चार महीने में किस्त आती है वो नहीं दी जाएगी तो दोस्तों सभी साथी जिन्होंने एम एम पी एस वाई से रिलेटेड कोई जो न्यूज़ चाहिए हो अपना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले, आपको एकदम लेटेस्ट और सही स्टिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसमें दोस्तों क्या होता है कि अभी के लिए जो एम एम पी एस वाई की है मुख्यमंत्री परिवार समुद्र योजना की जो साइट है वो पीछे से बंद कर रखी है ये योजना अभी तक इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है क्योंकि इसको लॉकडाउन के बाद से लगभग लगभग बंद ही है ठीक है इसको एक साल हो गया लगभग बंद हुए और अब दोबारा से पंजीकरण स्टार्ट हुए ने, नहीं हुए हैं इनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है उस हिसाब से बहुत सारे पचास परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री परिवार संबंधी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो लाभ लेना चाहते थे उन वे वंचित रह गए फार्म भरने से क्योंकि साइट ही बंद कर रखी है नए फार्म भरने स्टार्ट नहीं हो रखे हैं सेंटर के अभी ठीक हैं सेंटर के पैसे भी आ रहे हैं जैसे कि मुआवजे वगैरह अगर आ जाते हैं वो अलग सिस्टम हो जाता है लेकिन जो सेंटर के पैसे हैं सालाना किसान वाले वो साल के छह दौर पर आपके आ जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री परिवार समुद्धि योजना के कुछ महीनों से पैसे नहीं आ रहे हैं अब इसमें नया सिस्टम और ऐड कर दिया है वो अगर आप नहीं करवाते हो तो आप इसका लाभ से वंचित रह

पंजीकरण नहीं करवाते हो तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा जो सबसे पहला है मतलब सुरक्षा बीमा हो गया भाई ये कि ये आप अलग से बीमे हो कराओ जो इसके पैसे तो मिलते हैं दो हजार रुपए और अब इसके बीमे बीमा करवा करो के मतलब फिर पैसे कहाँ पे बचेंगे एक तरीके से पैसे ले के, के उस तरीके में पैसे दे दो ये तो बीमा कंपनियों को फायदे वाली पहुंचाने वाली बात होगी दोस्तों तो आप इसमें ध्यान से समझिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पंजीकरण करवाओ दोनों में पंजीकरण करवाओगे तो ही आप इसका लाभ ले पाओगे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी अपने नदी की बैंक में जाकर के अपना पंजीकरण करवा ले और जिन लाभार्थियों ने पंजीकरण करवा रखा है वो नदी की सी एस सी सेंटर पर अपडेट बैंक पासबुक प्रति जमा करवा दें मतलब प्रूफ जमा करवाओ भाई बात यही है ठीक है अगर आपने प्रूफ जमा नहीं करवाया कि हमने दोनों में पंजीकरण करवा रखा है तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे अगर आपने प्रूफ जमा नहीं करवाया तो ठीक है और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो वो नजदीकी सी एच ई सेंटर पर पासबुक प्रति जमा करवा दे उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी बीमा योजना में पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसे मुख्यमंत्री परिवार समृद्ध योजना के लाभ से वंचित रह जाएगा ये देख लीजिए दोस्तों जो जमा नहीं करवाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये दो में की पॉलिसी टाइप ऐसे हो जाते हैं ये आपको इन दोनों में पंजीकरण करवाना ज़रूरी है और इनसे कुछ पैसे भी कटेंगे तो जाहिर सी बात है फ्री में तो आज कुछ होता ही नहीं ठीक है तो एक हाथ से पैसे लेकर के इन्हीं के पैसे इन्हीं को दे दो बात यही होने जा रही है अभी तक इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और कुछ सक्सेसफुल हो पाती तो अब इनकी साइट चलनी दोबारा से वो बंद हो रखी है अब मतलब नए फार्म नहीं भरे जा रहे मुख्यमंत्री प्रवास योजना के नए फार्म नहीं भरे जा रहे इसलिए लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना पंजीकरण जरूर करवा ले अगर आपको ये इनके लाभ चाहिए हैं तो आपको इनमें भी पंजीकरण करवाना होगा और इनमें पंजीकरण करवाने के बाद आपका जो कॉपी होगी वो सी सेंटर से अपडेट करवा लो उसके बाद आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि किस किस साथियों ने मतलब दोनों के दोनों फॉर्म भर रखे हैं सेंटर वाला और स्टेट वाला ठीक है सेंटर वाला तो लगभग लगभग सभी इसका ठीक ठाक फायदा उठा रहे हैं ठीक है अरे जिलों में जिलों बोल रहा हूँ कई कई स्टेटों में ऐसा है जो अपने जैसे कि अपने स्टेट में स्टेट में कौन सी है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लेकिन कई कई स्टेटों में उनकी ही योजना है जैसे कि अपनी तो अम एम पी एस होगी लेकिन उनकी कोई उनके नाम से हो गई तो वो सालाना दस हजार रुपये देते है भाई ठीक है अपने को दे जाते हैं छः हज़ार वो वो भी अभी साइट बंद है वो कई कई जगह पर अरे ऐसे जैसे कि एक बार ये सक्षम योजना चलाई गई है न ऐसे एक स्टेट में योजना चलाई गई थी उनको फिर बाद में पक्का कर दिया गया था कुछ ऐसा प्रावधान भी था ठीक है उनको कैसे डी रेट पे वगैरह से पक्का करके पक्का ही कर दिया उनको बाद में तो ऐसे अलग अलग स्टेटों में जैसे कि अपने बुढ़ापा पेंशन थोड़ी ज़्यादा है राजस्थान में कम है तो वैसे ही अपने अम एम के पैसे थोड़े कम हैं दूसरे स्टेटों में कहीं कहीं ज़्यादा हैं कहीं कहीं दस हज़ार रुपये भी हैं ऐसे भाई चुनावी स्टेंट होते हैं जैसे कई बार राहुल गांधी बोल देते हैं हम सत्तर हज़ार रुपये कर देंगे एक लाख रुपये कर देंगे वो तो अलग बात होती है लेकिन कई के स्टेटों में अभी ये जो दस हज़ार रुपये हैं ये लागू हो रखे हैं और कई सालों से कई महीनों से मिल रहे हैं ठीक है ये जो दस हज़ार रुपये हैं जैसे कि अपने छः हज़ार रुपये मिलते हैं साल के तो ये कई स्टेटों में अलग अलग पैसे दिए जाते हैं सेंटर की एक ही स्कीम होगी क्योंकि सेंटर तो अपने एक ही है ना ठीक है सेंटर की सभी के लिए एक है बाकी स्टेट वाइज अलग अलग हो जाती है पार्ट वाइज बांट देते हैं इनको तो स्टेट वाली तो अभी फार्म भर नहीं सकते आप कोई साइट बंद है लेकिन सेंटर वाली जिन्होंने नहीं भर रखा वो अपना भर ले फार्म सेंटर के पैसे टाइम से आ जाते हैं कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन उनके पैसे लगभग लगभग आ ही जाते हैं तो सेंटर वाले आप सभी से सभी जरूर भर लेना और मुख्यमंत्री परिवार श्रम योजना के अभी चल नहीं रहे और अभी अगर आपको फार्म भरना है तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा उसके बाद आपको एक प्रति कॉपी जमा करवाने के बाद सीएससी लीजिएगा और फिर आपको अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप MPSY का भी फार्म भर सकते हैं यह थी आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो अच्छी लगी तो पूरी बात आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर देना ठीक है दोस्तों